नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने दूध और पनीर से बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट हलवाई जैसी रसमलाई बना के दिखाई है, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। रसमलाई बनाने के लिए हमें दूध, पनीर और ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा मीठा चाहिए। अगर आप एक बार रसमलाई बनाने की कोशिश करोगे तो फिर बार बार रसमलाई बना के देखोगे। एक किलो दूध ले लिया है, वो भी गाय का है। वैसे गाय के दूध से रसमलाई बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने 1 kg दूध लिया है। उसमें से थोड़ा सा दूध निकाल लिया है ठंडा, और इसमें मैंने क्या घोला है, सत्तू का आटा घोला है। वैसे आपके सत्तू नहीं हो तो आप गेहूं का आटा घोल सकते हो, नहीं भी घोलो तो इस दूध को भी थोड़ा ओटा के गाढ़ा कर सकते हो। चम्मच मैंने गर्म दूध निकाल लिया है, उसमें मैंने केसर डाली है। दूध में केसर अच्छे से घुल जाएगी जब तक हम सत्तू वाला घोल डाल देते हैं। धीमे धीमे डालेंगे क्योंकि इसमें डेली ना बन जाए, और इसे अच्छे से खोला लेंगे। खोलने के बाद उसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, जैसे कि बादाम है। मेरे पास खजूर पड़े हुए थे 2-4, तो मैंने वो काट के रख लिए, वो डाले हैं। अब हमारी केसर भी घुल गई, खोलते खोलते दूध गाढ़ा हो गया है। इसमें हम मीठा डालेंगे, 2-4 चम्मच मीठा डालेंगे। ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा मीठा डाल सकते हो। चीनी को हम अच्छे से मिला लेंगे, फिर उसके बाद हम केसर वाला दूध लेंगे, उसे भी हम अच्छे से मिला के डालेंगे। ये सब डालने से हमारी रसमलाई में खुशबू और स्वाद दोनों ही बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे। अब ये मेरी बेटी ने अपना कैमरा लगाया है, बोल रही है कि मम्मी मैं आपकी रसमलाई अपने कैमरा में कैद करूँगी। 8-10 दाने मैंने चिरौंजी के डाले, चिरौंजी भी बहुत अच्छी लगती है। गाढ़ा दूध बन के तैयार हो गया, अब गैस बंद कर देंगे। रसमलाई बनाने के लिए 250 ग्राम पनीर लिया है, 1 चम्मच अरारोट डालेंगे। आप आटा भी डाल सकते हो। अरारोट से क्या होगा कि इसमें अच्छी तरीके से बाइंडिंग आ जाएगी। पनीर को हम आटे की तरह गूंद लेंगे घिस के। पनीर वाले आटे को हम लगातार 5 मिनट तक गूंदेंगे, जिससे कि गोले गोले बनाने में बहुत आसानी होगी। गैस पर चीनी और पानी का घोल तैयार करके रख लेते हैं, इसको भी हम खोला लेते हैं। पनीर के आटे को भी बहुत अच्छा गूंद के रख लिया है। इसमें से हम अपने साइज़ के अनुसार गोले गोले बनाएंगे। करीब करीब 15 गोले बन के तैयार हो गए हैं। चीनी वाले मीठे पानी में भी खोली आ गई है, इसे हम तेज़ गैस पर खोलाएंगे और एक एक करके धीमे धीमे डालेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसलिए एक एक करके डालेंगे तो इसका टेम्परेचर गर्म होगा। अभी हमारी गोले गोले खोल चुके हैं, अपने साइज़ से दुगने साइज़ के हो गए हैं। इसको हम गैस बंद करके ठंडे पानी में डालेंगे। ये मैंने बर्फ़ का ठंडा पानी लिया है, इसमें एक एक करके डालेंगे, क्योंकि इससे बर्फ़ में डालने से ये बहुत ही स्पंजी बनते हैं। मैं दबा के दिखा रही हूँ, ये देखो इस तरह से स्पंजी बन जाएंगे। ये इस तरह से गोले गोले ठंडे हो गए, और हमने जो रबड़ी बना के तैयार करी थी वो भी ठंडी हो चुकी है। ठंडे ठंडे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। रसमलाई तो ठंडी ही अच्छी लगती है। इसको आपको दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है। भरी पूरी गर्मी में ठंडी ठंडी रसमलाई बनाएं, खाएं और खिलाएं। नमस्ते।